हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे एक और नए ब्लॉग वीडियो में। तो गाइस, आज आ गए हैं फिर से हम बनारस के एक खूबसूरत प्लेस को एक्सप्लोर करने के लिए, और आपको भी लेके चलते हैं उस खूबसूरत जगह का ओवरऑल व्यू दिखाते हैं। और आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। और अभी हम ऑटो से निकले हैं सुबह सुबह, तो काशी से निकले हैं सारनाथ के लिए, क्योंकि बाई ट्रेन अगर जाते तो महंगा उसका टिकट था। और अभी हम ऑटो से जा रहे हैं, ये बैटरी वाला जो होता है ई रिक्शा, उससे जा रहे हैं गाइस। और थोड़ा सा लंबा है, हमारे साथ छोटा सा स्कैम भी हो गया। एक ऑटो वाले भैया से हमने बोला कि हमको सारनाथ जाना है, तो बोले यहाँ से नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आगे चल के वहाँ से मिलेगा। तो हमने उनके साथ थोड़ा सा आगे तक गए, उसके बाद पता चला कि जहाँ हम पहले ऑटो जहाँ से लिए थे वहाँ से सारनाथ 6 किलोमीटर था, बट उन्होंने हमको जहाँ ले जाके छोड़ा वहाँ से सारनाथ 9 किलोमीटर था। तो आप कभी भी अगर बनारस ट्रैवल के लिए आते हैं, घूमना चाहते हैं, तो गाइस आपसे रिक्वेस्ट है गूगल मैप का 99% यूज़ करिए। बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट ट्रैवलिंग यूज़ करना आप कर सकते हैं, लेकिन गूगल मैप का 99% यूज़ करिए, क्योंकि आपके साथ कभी भी स्कैम नहीं होगा और आप एकदम सही रास्ते तक जा सकते हैं गूगल मैप की सहायता से। तो चलिए चलते हैं सारनाथ के खूबसूरत मंदिर को दिखाते हैं। सो फाइनली गाइज, हम पहुंच चुके हैं थाई मंदिर जो सारनाथ में है, और यहाँ से आप मेन गेट का व्यू देख सकते हैं। ये रहा मेन गेट, ऐसा कुछ दिखता है सामने से। और यहाँ पे अगर आप विजिट करते हैं तो यहाँ पे 1 रुपये का भी चार्ज नहीं लगेगा, मतलब टिकट वगैरह बिल्कुल नहीं लगता, निःशुल्क प्रवेश है। और अंदर का व्यू आप गाइज देख सकते हैं, और अंदर बिल्कुल खाने पीने के सामान यूज़ करने की परमिशन बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ी सी भी गंदगी अंदर बिल्कुल नहीं कर सकते, मतलब आप खाने पीने का सामान यूज नहीं कर सकते। और काफ़ी पवित्र जगह इसको माना जाता है, तो कभी भी आप विजिट करते हैं तो कृपया ध्यान दीजिए गंदगी ना फैलाएं। और अंदर का जो खूबसूरत व्यू है गाइस देख सकते हैं, और जो महात्मा गौतम बुद्ध जी की प्रतिमा दिखाई दे रही, इसकी हाइट जो है 80 फीट है, तो काफ़ी बड़ा बनाया गया है इस प्रतिमा को। और सामने देख सकते हैं बुद्ध सरोवर, जो आगे एक पानी का बनाया गया फवारा टाइप का, इसको बुद्ध सरोवर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ का अंदर का व्यू जो देख सकते हैं, गार्डनिंग किया गया है, काफ़ी फ्रेश बनाया गया इस चीज़ को। और यहाँ पे टूरिज्म काफ़ी ज़्यादा है, लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पे दर्शन के लिए। और ये देख सकते हैं गाइस, कितना प्यारा बुद्ध की प्रतिमा बनाई गई गोल्डन कलर में, इसे चक्र का भी सिंबल दिया गया है, और ये छोटा सा सर्कल यहाँ पे बनाया गया है। तो सर्कल से थोड़ा सा आगे चलते हैं, यहाँ से भी देख सकते हैं गाइस, जो बुद्ध जी की मेन मंदिर है, प्रमुख मंदिर, उधर भी चलेंगे। पहले आपको हम ये बड़ी वाली प्रतिमा जो 80 फीट की ऊँचाई वाली हैं बुद्ध जी की, उसको हम दिखा देते हैं, और उसके बाद फिर हम मेन मंदिर की तरफ चलेंगे। और हमारे सामने कुछ टूरिस्ट आए हुए हैं, तो ये जो है ये महाराष्ट्र से आए हुए हैं। और ये देख सकते हैं गोल्डन कलर की जो प्रतिमा बनी है बुद्ध जी की, काफ़ी प्यारी प्यारी बुद्ध जी की प्रतिमाएं यहाँ पे मिल जाएंगी। और ये सामने देख सकते हैं, ये मतलब पूरा ग्रुप ही आया हुआ है जो इसे वाराणसी को घूमने के लिए, सारनाथ को घूमने के लिए, ये महाराष्ट्र के लोग लग रहे हैं, ऐसा इनका लैंग्वेज से पता चल रहा है। तो देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये ग्रुप है, और लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे बुद्ध जी की प्रतिमा यहाँ पे बनी हुई है, मतलब इस पार्क में अगर आप विजिट करते हैं तो आपको कई जगह पे आपको अन्य प्रकार के अन्य अवस्था में आपको बुद्ध जी की प्रतिमाएं मिल जाएंगी, कहीं बैठे हुए, कहीं ध्यान करते हुए, कहीं शिक्षा देते हुए, तो कहीं लेटे हुए, ऐसे आपको प्रतिमाएँ मिलती रहेंगी। और कितना प्यारा इस बनाया गया है ग्राउंड को, इतना अच्छा डेकोरेट किया गया, हर चीज़ एक अलग ही सेटअप के साथ बनाया गया है, इस खूबसूरत जगह को इतने खूबसूरती में कन्वर्ट किया गया है। और फूल देख सकते हैं, कितने प्यारे प्यारे फूल लगाए हुए हैं इस फाउंटेन के आजू बाजू, मतलब आसपास में। तो आपको हम दोनों साइड से दिखाना चाहेंगे, देख सकते हैं गाइस कितने प्यारे और खूबसूरत फूल हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं ये खूबसूरत व्यू, हम आपको जूम करके दिखाना चाहेंगे, जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा 80 फीट की हाइट पे है, काफ़ी बड़ी मूर्ति है, और काफ़ी दूर से हम आपको दिखाना चाहते हैं एक खूबसूरत व्यू के साथ। आप देख सकते हैं जो बगल से भी व्यू आपको उतना ही प्यारा दिखेगा जितना सामने से दिखता है, तो ये बगल से व्यू है, साइड से हम आपको दिखा रहे हैं। और काफ़ी भीड़ भाड़ है अभी भी यहाँ पर, काफ़ी टूरिज्म आए हुए हैं, और ज़्यादातर बाहर के लोग ही यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, बौद्ध धर्म से रिलेटेड। और काफ़ी प्यारी जगह है, आप भी ज़रूर आइए और फैमिली के साथ आइए। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं, ये मेन मंदिर है जो इस ग्राउंड के अंदर है, ये बुद्ध जी की प्रमुख मंदिर मानी जाती है, इसके अंदर बुद्ध जी की प्रतिमा है। अभी हम आपको चल के अंदर का व्यू दिखाते हैं गाइस, और अंदर का व्यू आप देखिए और बताइए कैसा है। और बाकी देख सकते हैं गार्डनिंग, मतलब आप किधर भी जाएँगे गाइस, काफ़ी प्यारे प्यारे फूल और पौधे लगाए गए हैं,
तो काफ़ी खूबसूरत व्यू है, मतलब कुछ टाइम आप यहाँ बैठ के आनंद ले सकते हैं इस खूबसूरती का। काफ़ी कुछ बातों का ध्यान रखते हुए बनाया गया, देख सकते हैं एक रोड बनाया गया जो दोनों उसके दोनों साइड में गार्डनिंग की गई, कितने प्यारे प्यारे पौधे और पेड़ लगाए हुए हैं, काफ़ी फूल भी लगाए गए हैं। और जो मेन टेम्पल है ये देख सकते हैं, और मेन टेम्पल के अंदर जो बुद्ध जी की प्रतिमा है वो हम आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं ये बुद्ध जी की प्रतिमा है, काफ़ी प्यारी बनाई गई, इसमें लगभग 3 से 4 प्रतिमा आपको मिल जाएंगी जो अनेक अनेक रूप में हैं। देख सकते हैं जो सबसे बड़ी प्रतिमा ये गोल्डन कलर वाली है, ये बुद्ध जी की है और काफ़ी खूबसूरत बनाई गई इस जगह को। आप देख सकते हैं यहाँ का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मतलब मार्बल और पत्थर लगा के कितना खूबसूरत इस मंदिर को डेकोरेट किया गया है और काफ़ी फिनिशिंग के साथ बनाया गया है। देख सकते हैं गाइस काफ़ी प्यारी प्यारी मूर्तियाँ यहाँ पे हैं, और इस मंदिर को आप पूरा देख सकते हैं एकदम फिनिशिंग के साथ और काफ़ी अच्छा बनाया गया है। और बाहर का व्यू मंदिर के जस्ट बगल से बाहर का व्यू आप देख सकते हैं गाइस कितना खूबसूरत। और इस बात का और आनंद है कि आज गाइस मौसम बड़ा अच्छा है, इससे जो व्यू है ना काफ़ी खूबसूरत आ रहा है। एक देख सकते हैं एक स्तंभ बना हुआ है, ये भी काफ़ी प्यारा बनाया गया है। ये गाइस प्रमुख मंदिर है, यही थाई मंदिर है जिसमें बुद्ध जी की 3 से 4 प्रतिमा अंदर है, ये प्रमुख मंदिर माना जाता है। और देख सकते हैं स्ट्रक्चर इसका जो बनाया गया, इसका डिज़ाइन जो बनाया गया अलग ही कलाकृतियों में बनाया गया है। और गार्डनिंग देख सकते हैं, गार्डन में हर जगह आपको बुद्ध जी की प्रतिमा मिल जाएंगी। देख सकते हैं एक जगह और गोल्डन कलर में है, और थोड़ा सा आगे चलते हैं इस ब्रिज के नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बुद्ध जी की प्रतिमा बनाई गई है। तो छोटे बड़े कई स्वरूप में बनाया गया है इनका प्रतिमा, और सब लगभग गोल्डन कलर में ही है और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं, मॉर्निंग के टाइम ये ओपन हो जाता है और लगभग इवनिंग के टाइम बंद होता है सूर्यास्त के बाद। तो लगभग काफ़ी खूबसूरत व्यू है गाइज, और यहाँ पे देख सकते हैं जो ये गार्डन बनाया गया, गार्डन भी काफ़ी प्यारा है, हरा भरा दिखाई दे रहा है, तो इसका भी काफ़ी बारीकी से ख्याल रखा जाता है, सिंचाई की जाती है। सो गाइज हम बताना चाहेंगे ये जो है सारनाथ की जो बेस्ट प्लेसेस हैं घूमने की जगह है, उनमें से ये भी एक बहुत ही खास जगह माना जाता है जो घूमने के लिए, और काफ़ी खूबसूरती से इसे डिज़ाइन किया गया है। और इस जो जगह का नाम जो थाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है और वाट थाई के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर का जो परिसर है इसमें एक पुराना पेड़ भी शामिल है जो सोने की पत्ती के आकर्षण में बना हुआ है और काफ़ी प्रसिद्ध है। जो सारनाथ में थाई मंदिर का महत्व आप अगर आप देखना चाहेंगे तो ये सबसे बड़ी प्रतिमा जो यहाँ पे लगी हुई 80 फीट की ऊंचाई वाली उसको दिया जाता है, और ऐसे बुद्ध जी की आपकी प्रतिमा बहुत मिल जाएंगी। और ये जो बुद्ध सरोवर है उसमें देख सकते हैं कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं, तो इस जगह की खूबसूरती को बढ़ाती हुई ये जो लगाए गए हैं ये काफ़ी खूबसूरत है। और जैसे एंट्री पर आप आएँगे गाइस तो एंट्री पर ये बना हुआ गेट, ये एग्जिट पॉइंट का गेट है और एंट्री पॉइंट का भी गेट है गाइस, तो ये भी देख सकते हैं 3 लेयर में बनाया गया है और काफ़ी बेहतरीन बनाया गया, काफ़ी फिनिशिंग दिया गया है। तो हमने तो फर्स्ट टाइम विजिट करा है और उम्मीद करेंगे कि कभी फिर आएंगे तो हम ज़रूर विजिट करेंगे। और देख सकते हैं ये बाहर का व्यू गाइस, तो अभी और आगे चलते हैं और इसके बाद भी एक बुद्ध जी की प्रतिमा है और गार्डन है वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। और बाहर का जो क्लाउड है गाइस देख सकते हैं कितनी भीड़ है रोड मेन रोड पर, और अंदर तो आपने देखा ही कितना भीड़ है, तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। और बाहर देख सकते हैं थाई बौद्धिस्ट मोनेस्ट्री करके ये बैनर लगा हुआ, मतलब ये सेकंड गेट है, इसमें लगभग 3 गेट हैं इस पार्क के लिए, इस जगह के लिए जो थाई मंदिर है। और बाहर का व्यू देख सकते हैं, ये छोटी छोटी दुकानें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, काफ़ी प्यारा बनाया गया है इस जगह को, मतलब साफ़ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है, और बड़ी प्यारी प्यारी दुकानें आसपास आप देख सकते हैं गाइस। यहाँ पे जो आपको बुद्ध जी से रिलेटेड सामान ज़्यादा मिलेंगे गाइस, तो आप देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे सामान हैं और काफ़ी खूबसूरत जगह है। आप अगर विजिट करते हैं बनारस तो सारनाथ जरूर विजिट करें, देख सकते हैं गाइस कितने प्यारे प्यारे सामान लगे हुए हैं, कुछ दुकानें हैं बंद हैं और कुछ खुली हुई हैं, अभी सुबह का टाइम धीरे धीरे दुकान ओपन हो रहा है। तो गाइस आपसे मिलते हैं कौन नए ब्लॉग में, आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे कौन नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।